अस्सलाम वालेकुम। ये एक जाहिल की वीडियो देखी है जिसको ना इंग्लिश आती है ना अरबी आती है, बस बनना चाहता है आलिम। अल्लाह ने कुरान में कई जगह हमारे नबी को उम्मी फरमाया, उम्मी नबी। इसका ट्रांसलेशन आपने क्या सुना है? कुछ सुने हैं आप इसका ट्रांसलेशन? इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है बकौल वहाबीज अनलेटर्ड, दूसरा ट्रांसलेशन इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या हुआ? उर्दू में जाहिल, तमिल में कहे तो मुट्टाल। मुझे बताइए, जो नबी को जाहिल कहे, इन अदर वर्ड्स माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह मुट्टाल कहे, वो कैसा आदमी कलमा पढ़ने वाला है जो अपने नबी को जाहिल कहता है? अस्सलाम वालेकुम। कोई नबी को जाहिल नहीं बोलता है, सिर्फ शायद बरेलवियों के अलावा। उर्दू में जाहिल बोलते हैं और इंग्लिश में जाहिल का मतलब होता है इग्नोरेंट, इलिटरेट नहीं होता है। इस एहसान खादरी को ये भी नहीं मालूम कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। प्लीज़ ऐसे दज्जालों से बचिए। जाहिल मीन्स इग्नोरेंट और नबी को कोई इग्नोरेंट नहीं बोलता है। पता नहीं ये बरेलवियों के पास कहाँ की डिक्शनरी होती है, ये लोग को खुद पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं इलिटरेट का मतलब आता है उम्मी, उम्मी इलिटरेट, और इग्नोरेंट का मतलब आता है जाहिल, जो एहसान खादरी है और उसकी कौम के लोग हैं।